What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 24 जनवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:11 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 23 जनवरी आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,139 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 12,086। तो कल इस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था, ये अगर आपको देखना है तो उस वीडियो की, कल के वीडियो की लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही कल ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 12,158 ये यहाँ पर अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 12,176 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस लिया, काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ एक मूव इसने दिखाया और फिर से ऊपर आकर इसने फिर से एक बार 12,176 इसी के पास रेजिस्टेंस कंटिन्यूस फेस किया और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास ये क्लोज भी हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,400 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाज़ार नाजडैक देखे तो हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहाँ पर साफ तौर पर कमजोरी दिखाई दे रही थी, सभी लाल निशान में बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी 20 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। निक्केई 12 पॉइंट की कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइना मार्केट में 84 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अभी देखे ग्लोबल सिनेरियो तो थोड़ा सा प्रेशर का सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त दिखाई दे रही है। तो ग्लोबल मार्केट से इस समय फिलहाल कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वीकली और डेली चार्ट का। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो इसका 38.2% का ये जो लेवल है 30,686 ये इसने कल यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। उसी के पास 20 EMA का भी ये मूविंग एवरेज का यहाँ पर लेवल आ रहा था। तो इस लेवल को अभी ये फिलहाल वीकली चार्ट में रिस्पेक्ट कर रहा है 20 EMA को। अगर लास्ट फ्राइडे का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने RSI के निगेटिव डाइवर्जेंस की बात की थी, RSI वर्सेस प्राइस एक्शन। अगर यहाँ पर देखें तो पास्ट में जैसे कि यहाँ पर ये प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहे थे लेकिन RSI में यहाँ पर लोअर हाइज क्रिएट हो रहे थे, तो ये साफ निगेटिव डाइवर्जन है। तो इसके बाद हमें कुछ दिनों में यहाँ से एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया। तो अभी अगर आप देखें तो RSI में जैसे कि लास्ट फ्राइडे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर हायर हाइज बन रहे थे प्राइस एक्शन में, लेकिन RSI जो था ये एक बिल्कुल भी फ्लैट था, यहाँ पर हायर हाइज नहीं बन रहे थे। तो अभी इस वीक में ये हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एनालिसिस है, ये ऑब्जर्वेशन है, RSI कैसे लोअर हाइज बना रहा है और प्राइस एक्शन में कैसे हायर हाइज बन रहे हैं। तो ये जब भी निगेटिव डाइवर्जेंस हमें दिखाई देता है तो प्राइस एक्शन में भी एक फॉल, हमें एक छोटा करेक्शन दिखाई देता है। तो वीकली चार्ट में अभी फिलहाल ये 20 EMA को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक पुल बैक हमें दिखाई दे, वरना अगर ये 20 EMA को अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें 30,090 का फर्स्ट सपोर्ट होगा और उसके बाद ये ब्लू लाइन 50 EMA का जो कि अराउंड अभी 29,700 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट पर चलते हैं। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्लियरली अभी यहाँ पर ये जो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं ये अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। इसने 20 EMA को ब्रेक कर दिया, 50 EMA को ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो 38.2% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है ये एग्जैक्ट यहाँ पर 100 EMA के पास आ रहा है। वीकली चार्ट में 20 EMA यहाँ पर आ रहा था इस लेवल के पास,
तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 30,090 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर ये 100 EMA को हम इसे अगर सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दे तो ये जो लेवल है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, ये भी एग्जैक्ट 50% का है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, इसी के पास आ रहा है। तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे सकता है 30,090 के पास, और ऊपर अगर जाना है तो ये फर्स्ट हर्डल्स होंगे। पहला तो 50 EMA का ये ब्लू लाइन जो कि मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, ये अराउंड 31,400 के पास है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हर्डल का काम कर सकता है। और फिर 20 EMA जो कि अराउंड अभी 31,550 के पास है, तो ये दो हर्डल्स होंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 30,686 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 30,090 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। और एक पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर अगर ऐसे क्रिएट होता है, ये है लेफ्ट, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर, और इसका नेक लाइन बन जाएगा ये। तो अगर इस नेक लाइन को अभी ये देखिए फिर से एक बार ऊपर की तरफ आ गया है, टेस्ट कर रहा है इस नेक लाइन को, और ये नेक लाइन के नीचे अगर फिर से चला जाता है और यहाँ पर ये जो 30,686 का सपोर्ट है जो कि 20 EMA था वीकली चार्ट में, उसको अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक ज़बरदस्त और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये जब भी आता है तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हमें स्टॉक या फिर इंडेक्स मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पर हमने डेली और वीकली चार्ट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स देखे, इसके अकॉर्डिंग आप आने वाले वीक में आपके बैंक निफ्टी के बारे में प्लान बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो 12,100 के पास ये 23.6% का लेवल आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो ये फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। आज लास्ट डे है इस वीक का, देखते हैं इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट वीक में चांसेस होंगे कि यहाँ से हमें एक पुल बैक दिखाई दे। बजट आ रहा है नेक्स्ट मंथ 1 February को, तो कल भी एक न्यूज़ आया था, रिपोर्ट है सिर्फ, अभी कंफर्म नहीं है कि जो LTCG टैक्स है वो 2-3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पहले एक साल में अगर एक साल के ऊपर अगर आप बेचते हैं तो LTCG टैक्स आपको शेयर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर लग सकता है, तो इसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो एक पॉजिटिव साइन होगा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में भी जैसे निफ्टी में तेज़ी दिखाई दे रही है वैसे वहाँ पर भी हमें तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो अभी फ़िलहाल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12,100 का सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे 38.2% का नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जहाँ पर यह 20 EMA का एग्जैक्ट लेवल आ रहा है 11,900 के पास। तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो, डेली चार्ट पर चलते हैं। यह है डेली चार्ट निफ्टी का। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो अभी जैसे कि मंडे के बाद ये जो फॉल आया था इसके बाद में ये ट्रैप हो चुका है ये मूविंग एवरेजेस के बीच में। तो जैसे हमने कहा था अगर इसे ऊपर पुल बैक दिखाना तो इसे इस 20 EMA के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कल अगर आप देखें तो यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ, यानी वेनसडे का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक था उसका हाई और ये लो इसके बीच में ये ट्रेडिंग कर रहा था। कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन था तो ऊपर की तरफ ये 20 EMA अराउंड 12,200 के पास है, ये फर्स्ट हर्डल का काम कर सकते हैं। और नीचे अभी 12,080 जो कि 50 EMA के पास ये मूविंग एवरेज आ रहा है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में हमें यहाँ से और भी नीचे की तरफ गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। तो यह है निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये कल का हाई ब्रेक करता है, आप देख सकते हैं कल के हाई के पास पास्ट में इसने सपोर्ट टेस्ट किया था एक, ये देखिए यहाँ पर,
ऊपर जाने की भी कोशिश की थी, तो यहाँ पर ये आज के लिए ब्रेकआउट लेवल का काम कर सकता है, तो इसे हम मार्क कर देते हैं ब्रेकआउट लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये आज सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,210, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,224, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इस लेवल के पास कुछ दो दिन पहले यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और कल भी जब यहाँ पर एक अपसाइड मूव दिखाई दिया तो नीचे आते वक्त इसने दो बार, टू आवर्स अगर ये दो आवर का कैंडल देखे तो दो बार इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था। इसके नीचे ही क्विकली पिवट पॉइंट का ये लेवल आ रहा है, तो पिवट पॉइंट का ये जो 12,154 का लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं ब्रेक डाउन लेवल। तो ये होगा हमारा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,132, ये हमारा यहाँ पर आज के लिए फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,109, यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करता है और 12,154 को ब्रेक करता है तो। तो यह था आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस, इंट्राडे लेवल्स, हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।